भाई का बाल आ रहा है जो संजय ऊपर ऊपर एक्सक्यूज मी मैम, आप लोग take away all the awards. I'm really happy. I actually read Lokmat to improve my Hindi, so it's actually a lot of fun, and I'm just happy to be here. So I really like saris, and I feel for Lokmat I wanted to wear something a little more Indian because it kind of emphasizes the Indianness in us. And yeah, I'm very happy. I hope you guys like it, and it's easy, it's comfortable. So you're going to see me on one major OTT platform with two shows next year. So 2020 is going to be that. I'm going to announce it very soon. So I'm very excited because I've never done like a proper show. So yeah. No. But you're kind of close. Yeah. All right. Thank you, guys. Yeah. अब प्रेस में कुछ लगता है प्रेस टैक्सी जी इधर सामने ही अपने हैं नाम वन जाओ एक बार सामने ले टैक्सी जी लेफ्ट साइड भाई वीडियो में वहां टैक्सी जी लेफ्ट साइड मैम लेफ्ट तो मैं बोल बोल के थक गया हूं कौन रह गया पता नहीं भाई सारे ना हेलो ऑन है ना हेलो हेलो कैसे हो हेलो बाय करके भी सकते हो हम साथ में बाइक दे रहे हैं जी सो ये हां सारी शाम के सारी सवाल है आप लोग जाओ क्या बात है क्या बात ये सब बोल रहे हैं ना ये सब बोल रहे हैं ना सब क्या बोल रहे हैं यार अभी तीन लोगों को मैंने भी बोलते हाँ जी हाँ जी आई थिंक जब भी सारे मिलते हैं तो कुछ तो एंटरटेनमेंट होगा कुछ मजा आएगा ये सोच के ही आते हैं Right.
Do I have to do this? Yeah. Hello. I think I'll go. This is a nice beautiful gown by my designer friend and style I think jo mere liye style hai jo मैं कंफर्टेबल हूँ. आई डोंट गो जहाँ पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ. ज़्यादा हील्स लोग पहनते हैं और गिर जाते हैं. सो आई डोंट डू ऑल दैट. आई थिंक कंफर्ट इज स्टाइल फॉर. थैंक यू. I just want to go get someone. आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं लोकमत स्टाइल आइकन अवार्ड्स पे आई हूँ. और स्टाइल अकॉर्डिंग टू मी इज़ डेफिनेटली आप क्या पहन रहे हैं, आपका पर्सनैलिटी कैसा है, पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एटीट्यूड जो आप कैरी करते हैं उसके साथ. तो मुझे लगता है एटीट्यूड शुड बी योर लॉन्ग टर्म स्टाइल बिकॉज इट विल एड अप टू योर ग्रेस टू लीप्स एंड बाउंड्स. आई एम वेरी मच फॉर कैब बिकॉज जो पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान से जो लोग फ्ली हुए जिनको रिलीजियस ग्राउंड्स पे प्रोसिक्यूट किया है उनके लिए भारत के दरवाजे खुले हैं. तो दिस इज़ अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ऑन द बेसिस ऑफ विच उन्होंने ये डिसीजन लिया है. अभी तो उनका काम चालू ही नहीं हुआ है. जब चालू होगा तो आई कैन एक्चुअली टॉक अबाउट इट. अभी तो ऐसे कुछ काम चालू ही नहीं हुआ. थैंक्स. स्टाइलिश दिखना मैं पसंद करती हूँ. मुझे लगता है कि आप कुछ भी पहन सकते हैं, भले वो एक कॉटन साड़ी हो या ऐसे एक्स्ट्रावेगेंट जैकेट्स हों. अगर आप कंफर्टेबल हैं और आप
यू नो जो पहनते हैं उसको कैरी अच्छे से करते हैं ग्रेसफुली, वो मेरे हिसाब से स्टाइलिश है. मैं ब्लैक आउटफिट पहनी हूँ, मेरा जैकेट अलेक्जेंडर मैकक्वीन से है एंड इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ हाई फैशन स्टेटमेंट पीस एंड आई होप आई एम एबल टू कैरी इट ऑफ. वेल अभी तो मेरा नया गाना जो आया है हेलो जी बड़े सोने लग दे हो, सो आई होप दैट यू आर एंजॉइंग दैट एंड इट्स डूइंग रियली वेल. आई एम वेरी हैप्पी विद द आउटकम एंड पूरी बेबी डॉल की एक टीम वापस आई है, सनी लियोन, कनिका कपूर, मीत ब्रोज, कुमार, एकता कपूर. सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट एंड या टेल मी व्हाट यू थिंक. थैंक यू. कैसे? बढ़िया. थैंक यू. काफ़ी एक्साइटेड हूँ, जस्ट वॉन्टिंग टू एंजॉय द इवनिंग विथ एवरीवन एल्स एंड सेलिब्रेट. थैंक यू. ये सीमा खान का क्रिएशन है. आई एम वेरी like in love with her creations. I think she's very elegant and also blingy at the same time, but she combines both the two beautifully. And jab bhi maine pehna hai, it's a black ghagra. Maine bahut time se Indian outfit nahi kiya tha ramp you know awards ke liye, so my stylist was really after me. So yeah, I'm enjoying it. Thank you. नहीं, आई डोंट थिंक कोई प्रेशर बनता है बिकॉज एज एन आर्टिस्ट वेल दैट्स अ गुड थिंग. आई कॉन्ट बी यू नो आई कॉन्ट टेक दैट एज प्रेशर. अगर मैं अच्छा काम करूँ और लोग उसको अप्रिशिएट करें और उम्मीद रखें कि हाँ मैं अच्छा काम करती रहूँ, तो दैट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी बिकॉज इफ़ आई एम एक्सपेक्टेड टू डू सम यू नो गुड वर्क, दैट्स अ बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली. So yeah, I'm very excited for the coming year. Lot of new things are happening. काफ़ी interesting scripts पढ़ रही हूँ. अच्छा काम भी बहुत हो रहा है. Lot of interesting concepts are being explored. So very excited to see what happens next. Thank you. Thank you. हाय. देखिए, एक्साइटमेंट तो रहती है.